ये जो टिप है मैं आपको शेयर करना चाहती हूँ कि जब भी आप घी ऐसे पैकेट्स में से खाली करते हैं, कोई भी कंपनी का लेते हैं, तो उसको हम या तो गर्म पानी में पहले करते हैं तब पूरा घी निकालते हैं। मैंने क्या किया है, इसको फ्रिज में रख दिया था, पूरा 2 दिन ये फ्रिज में रहा, उसके बाद मैंने इसको निकाला है और अब मैं आपको इसके आपके सामने इसको खोलती हूँ। इसको अब हम ऐसे कट कर लेंगे और आप देख सकते हैं घी जो है वो पूरी तरह जमा हुआ है। हम इसको ऐसे साइड से भी कट कर लेंगे, ये नाइफ से हम ऐसे कट कर लेंगे इसको चारों तरफ से, और आप ये देखिए कितने अच्छे से ये पूरा घी ऐसे निकल आता है, कुछ भी घी वेस्ट नहीं होता। और जो घी पिघला हुआ होता है उसको करने में आपको टाइम भी लगता है, निकालने में, साफ करने में, इधर उधर गिर जाता है वो। और ये देखिए हमने इसको कंप्लीट चारों तरफ से निकाल लिया है। काफ़ी चीज़ें लोगों को पता है, काफ़ी ट्रिक्स पता है, पर मुझे अपने व्यूअर्स के लिए, ये मैं अपने आप यूज़ करती हूँ तो मुझे लगा मुझे ये शेयर करना चाहिए। ये देखिए पूरा का पूरा घी आसानी से निकल गया है, और जो भी ये घी है वो भी आप आसानी से क्लीन कर सकते हैं और जिस भी डब्बे में आप डालना चाहें। और मान लिया आपको इस डब्बे में डालना चाह रहे हैं आप इसको डालना है, तो बस इस तरीके से आप इसके पीसेस करके डाल दीजिए। अदरवाइज अगर आपके पास कोई बड़ा डब्बा है तो आप सीधा उसमें ऐसे इसको स्टोर कर सकते हैं। तो है ना मजेदार टिप, कुछ भी वेस्ट नहीं ना, ये सारा निकल जाएगा आपका साइड से, और कोई भी आप देखिए बिल्कुल भी इसमें चिकनाहट नहीं है, बिल्कुल भी। ये पहले ही मेरी उंगली पे लगा हुआ है, अदरवाइज बिल्कुल भी यहाँ चिकनाहट नहीं है, सीधा सीधा साफ हो गया और विदाउट वेस्टिंग अ ड्रॉप ऑफ घी। अब ये सेकेंड टिप हम आपके सामने लाए हैं कि कोकोनट को कैसे इजीली इसमें से निकालें। तो ये कोकोनट हमने लिया है चटनी बनाने के लिए या कोई भी चीज में डालने के लिए। इसको हम पहले चारों तरफ से ऐसे मार लें, आवाज जो है वो चेंज होना शुरू हो जाएगी धीरे धीरे, आपको पता लगेगा कि ये टूटने जैसा हो रखा है। अब हमने चारों तरफ से इसको ऐसे क्रैक कर लिया है और इसको इसमें ऐसे इसका पानी निकाल देंगे। इसको तब तक आपको ऐसे देखिए कितने अच्छे से पानी निकल गया है, और तब तक इसको मारिए इसके ऊपर जब तक कि ये चारों तरफ से वो ना हो जाए। और ये देखिए बहुत आसानी से ये से निकल आता है। ये देखिए, और सबसे बड़ी बात है जितना आपको यूज करना है उतना यूज कीजिए, और उसके बाद ही आधा फ्रीजर में रख सकते हैं। ये थर्ड टिप है कि आपको जब भी चटनी बनानी है ये एज इट इज आप फ्रीजर में रख दीजिए, और ये फ्रेश निकलेगा, चटनी के टेस्ट में कोई फर्क नहीं आएगा। और ये जो बड़ा पीस है इसके भी हम इस तरह से करके इसके निकाल सकते हैं आसानी से। देखिए चारों तरफ से ऐसे देखिए क्रैक हो गया है, और जितनी बार आप इसको ऐसे करेंगे ये आराम से देखिए इसमें से निकल जाता है। जितनी बार आप इसको इस पर प्रेस करेंगे उतनी बार ये आराम से निकलता जाएगा। जो भी छोटा है उसमें आप ऐसे करके चाकू से निकाल लें, बहुत आसानी से निकल जाता है। लेकिन जब आप फ्रीजर में रखेंगे तो आप एज इट इज ऐसे रख देंगे। आप कोई भी बर्फी बनाएं और आपकी बर्फी जम गई है अच्छी तरह और वो नहीं निकल रही है, तो आपका एक ये ट्रिक है कि हल्का सा आप उसको गैस पे ऐसे रख दीजिए, हल्का गर्म कर दीजिए, यानी जो नीचे लगा हुआ घी है जो जम गया है वो पिघल जाएगा और जो बर्फी है वो बहुत ही आसानी से ये देखिए बाहर आ जाएंगी, क्योंकि ये घी जो है वो पिघल गया है। देख सकते हैं आप घी पिघल गया है ये देखिए, और बर्फी जो मुश्किल से निकल रही थी वो बहुत आसानी से आपके निकल जाएंगी, और ये देखिए बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि ये घी पिघल गया है, इतनी आसानी से ये निकल जाएंगी। तो जब भी आपको ये प्रॉब्लम हो आई थिंक ये ट्रिक आपके बहुत काम आएगी। थैंक यू सो मच। ये देखिए ये एवोकाडो है जो कच्चा है, अगर हम ऐसे दबाते हैं तो बिल्कुल भी नहीं दब रहा है, बिल्कुल कच्चा है। तो इसके लिए टिप है कि हम इसको चावल के बॉक्स में चावल के अंदर दबा कर रखेंगे, जो मैंने पहले से एक तैयार करके रखा हुआ है। ये देखिए
इसमें और इसमें फर्क देखिए, ये आपको मैं दिखाऊं, यहां ये अच्छे से दब रहा है, ये देखिए ये अच्छा पक गया है, देख रहे हैं ना आप। तो इसको हम ऐसे चावल में नीचे गड्ढा करेंगे और इसको ऐसे बंद करके चावल के अंदर रख देंगे। तो इससे ये टिप है एवोकाडो को पकाने की, बंद करके रख देंगे और 2 या 3 दिन के बाद चेक करेंगे तो हमारा एवोकाडो जो है वो पका हुआ निकलेगा। है ना अच्छी टिप।